सो गाइस आज हम निकालेंगे नारियल का तेल। ये रहा हमारा मशीन, कह सकते हैं आप आधुनिक प्राचीन मशीन। अभी हम इसे उठाएंगे, चेक करेंगे क्या है इसके अंदर, कैसे ये वर्क करता है वो भी आपको बताएंगे। एक सेकेंड, ये रहा अरे मालिक। काफी भारी है गाइस, इसे पूछा जाएगा जितने भी पुराने डस्ट है नारियल के छिलके वगैरह, जितना भी पुरछा हुआ नारियल पुराना फंसा हुआ होगा उसे हम निकालेंगे, फिर फ्रेशली बनाएंगे। अरे मम्मी बहुत भारी है रे। बहुत भारी है गाइस, आपको लगेगा नहीं कि ये भारी है बट बहुत भारी है। यहाँ से भी उठा के देखेंगे, ये यहाँ से अगर हम उठाएंगे तो हमें भारी नहीं लगेगा गाइस। देखिए यही साइंस है, यही फिजिक्स है। आर यू कॉमेडी मी? नारियल निकालने से पहले सबसे पहले हम उसे पकाएंगे तवा में, फिर आगे का प्रोसेस भी दिखाएंगे आपको। आइए अभी हम दिखाएंगे आपको चूल्हा कैसा बनाते हैं। ये रहा गड्ढा, इसके ऊपर हमने दो लोहा गाड़ के रखा है ऑलरेडी, जहाँ पर हम तवा रखेंगे अपना। इतना बड़ा होगा तवा, फिर हम डालेंगे इसमें नरोटी, फिर इसके बाद आग जलाएंगे। फिर नारियल को थोड़ा आग में सेकेंगे, फ्राई वाई करेंगे। दिखाते हैं आपको नारियल, आप देख सके तकरीबन हमने 30 से 40 जोड़ा नारियल इसमें कुरच दिया है। देखेंगे उसमें से तेल कितना निकलेगा। ये रहेगा छोटा सा भगवान जिसमें हम तेल को कलेक्ट करेंगे। तो गाइस ये रहेगा हमारा तवा जिसमें हम नारियल को पकाएंगे आग में, फिर उसके बाद सारा नारियल को इकट्ठा करके एक मच्छरदानी जैसा जाली में सारा नारियल को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ आएंगे उस नारियल को मोड़ के इस लकड़ी को ऐसे उठा के, आई मीन एक सेकेंड बहुत भारी है। लकड़ी को ऐसे उठा के वहां पे नारियल को रखेंगे। नारियल को रखने के बाद ये कुछ इतना ऊपर हो जाएगा, फिर इसको हम प्रेस करेंगे यानी बैठेंगे इसके ऊपर, और तेल प्रेस होके इस नाली से होते हुए यहाँ पे हम भगोना रखेंगे, यहाँ पे हमारा नारियल तेल कलेक्ट होगा गाइस। मिलते हैं फॉर मोर वीडियोस, वॉच माय रील्स, बाय बाय।